दीदार हक दिखाएगी ए भाइयों नमाज, दीदार हक दिखाएगी ए भाइयों नमाज, जन्नत तुम्हें दिलाएगी ए भाइयों नमाज, दीदार हक दिखाएगी ए भाइयों नमाज। الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, जब कभी भी दाखिल मस्जिद हो, याद कर कर इतिकाफ़ की नीयत ज़रूर फरमा लिया करें। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब तक आप मस्जिद में रहेंगे, दीगर इबादात के साथ साथ इतिकाफ़ का सवाब भी मिलता रहेगा। मक्के मदीने के सुल्तान रहमत आलम यान सरदारे दो जहान सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिही वसल्लम का फरमाने रहमत निशान है, जिसने मुझ पर 10 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह ताला उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद। प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा शाह अर्दो समा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमाने बाकरीना है, नियतुल मुमिन खैरुम मिन अमलिही, मोमिन की नियत इसके अमल से बेहतर है। आलिम नियत शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी इरशाद फरमाते हैं, नेको जायज़ काम बग़ैर अच्छी नीयत के कार्य सवाब नहीं होता, और नेक और जायज़ काम में जिस कदर अच्छी नीयतें ज़्यादा उसी कदर सवाब भी ज़्यादा। हुसूल सवाब आखिरत तलब रिज़ाए इलाही अज़्ज़ वजल के लिए अच्छी अच्छी नीयतें फरमा लीजिए। ये बयान अल्लाह रब्बुल आलमीन अज़्ज़ वजल की रिज़ा के लिए करूँगा सुनूँगा। रब तआला का इसमें मुबारक आया तो उसकी तस्बीह, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जिक्र आया तो दुरूद पाक पढूंगा, जो मसाइल बयान हुए इन पर अमल करूंगा, सही तौर पर मसला समझ चुका तो दूसरों के आगे बयान करके नेकी की दावत फैलाने के सवाब का हकदार बनूंगा। इला गैरि दारिक मिन निजातिन कसीरा, जिस कदर निजते ज़्यादा इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल बतुफ़ैल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम उसी कदर सवाब भी ज़्यादा। मज़ीद अपने लिए नियतें बढ़ा लेता हूँ, गलती की सही निशानदेही पे फौरन इजाला कर लूँगा। आज के बयान और अब तक की मेरे पास मौजूद नेकियों पर अल्लाह अज़्ज़ वजल की रहमत से मिलने वाला सवाब बवसीला रहमतुल्लिल आलमीन, और जो मेरी मिल्क अपनी नेकियां करें उनका भी सवाब मदनी चैनल के नाज़रीन में से हो या हाज़रीन में से, बवसीला रहमतुल्लिल आलमीन जनाब रिसालत मआब अंबिया व मुरसलीन खुलफाए राशिदीन उम्महातुल मुमिनीन शहीदान व असीरान करबला तमाम सहाबा व ताबईन व तबे ताबईन अइम्मा ए मुज्तहिदीन खुसूसन अइम्मा ए अरबा और उनके मुकल्लिदीन सलासले अरबा के मशाइख व मुरीदीन मदनी इनामात की आमिलात व आमिलीन मदनी काफिलों के मुसाफिरीन तमाम मुस्लिमात व मुस्लिमीन तमाम मुमिनात व मुमिनीन खुसूसन सरकार आला हज़रत और अमीर अहले सुन्नत आमीन बिजाहिन नबीजिल अमीन
सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। बयान का सिलसिला है, मुकम्मल बयान बिस सवाब यानी दुरुस्त तौर पर हो पाए ये ज़रूरी नहीं, भूल करता पाएँ तो फौरन मेरी इस्लाह फरमाएँ। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। नमाज की शराइत व फराइज़ का बयान मुकम्मल हुआ। यहाँ ज़िमनन नमाज के अहकाम में नापाक कारपेट पाक करने का तरीक़ा भी बयान किया गया है। आइए आपको चंद मदनी फूल इसके भी अर्ज़ किए जाते हैं। सफ़ा नंबर 215 रसाइल अत्तारिया मतबूआ मकतबतुल मदीना। कारपेट का नापाक हिस्सा एक बार धोकर लटका दीजिए यहाँ तक के टपकना मौकूफ़ हो जाए, फिर दोबारा धोकर लटका दीजिए हत्ता के टपकना बंद हो जाए, फिर तीसरी बार इसी तरह धोकर लटका दीजिए, जब टपकना बंद हो जाए तो पाक हो जाएगा। चटाई, जूता, मिट्टी का वो बर्तन वगैरह जिसमें पानी जज्ब हो जाता है इसी तरह पाक कीजिए। नापाक कारपेट को पाक करने के दो तरीक़े बयान किए जाएंगे। पहला तरीका आपको सुनाया गया, आइए इसका अमली तरीका देखते हैं। कारपेट को टूटी के नीचे रखा गया है, पानी से धोया गया, अब पानी टपकता गया यहाँ तक के टपकना मौकूफ़ हो गया। अब इसी कारपेट को दोबारा लिया जाएगा। ये कारपेट का एक छोटा सा टुकड़ा हमने आपको दिखाया है और इस अंदाज से दोबारा दूसरी मर्तबा इसको धोया गया, अब पानी से टपक रहा है और टपकने के बाद यहाँ तक पहुँचा कि पानी टपकना बंद हो गया, तो अब इसे तीसरी मर्तबा धोया गया और अब इस पानी ने टपकना शुरू किया यहाँ तक कि अब टपकना जब तीसरी मर्तबा ख़त्म कर दिया तो अब ये हमारा कारपेट पाक हो गया। चटाई पाक करने का तरीका भी यही है, कारपेट पाक करने का तरीका भी है। वो मिट्टी का बर्तन जो पानी जज्ब कर लेता है उसको पाक करने का तरीका भी ये है और जूता पाक करने का तरीका भी यही है। अब आपको आसान तरीका सिखाया जाता है। अगर नापाक कारपेट या कपड़ा वगैरह बहते पानी मसलन दरिया नहर में या टूटी के नीचे इतनी देर तक रख छोड़ें कि जन्ने गालिब हो जाए कि पानी नजासत को बहा कर ले गया, तब भी पाक हो जाएगा। कारपेट पर बच्चा पेशाब कर दे तो उस जगह पर पानी के छींटे मार देने से वो पाक नहीं होता। याद रहे कि एक दिन के बच्चे बच्ची का पेशाब भी नापाक होता है। आइए अब दूसरे तरीके का अमली तरीका देखते हैं। इस अंदाज से देर तक आप इसको धोते रहे यहां तक के आपका गुमान गालिब हो गया कि अब नजासत इसमें ना रही होगी। कारपेट हो या लोहा हो, आप इतना पानी बहा रहे हैं कि बहाते वक्त आपको गुमान गालिब हो गया कि अब ये नजासत लेकर चला गया। बहता पानी दरिया के अंदर आपने कारपेट डाल दिया, नहर में कारपेट डाल दिया, वैसे ऐसा कोई भी नहीं करेगा कि दरिया और नहर के अंदर कारपेट डाले, लेकिन जो शरई मसला ये है कि अगर बहते पानी में आपने इस तरह का मोटा कपड़ा चटाई कारपेट वगैरह आपने डाल दिया और वो नजासत को बहाकर ले गया, तो अब ऐसी सूरत के अंदर कपड़ा मोटा कपड़ा ये भी पाक हो जाएगा। कारपेट को टूटी के नीचे रखा, टूटी से जो पानी निकलता है वो भी बहते पानी के हुक्म में है। सिर्फ दरिया नहर में जाने की ज़रूरत नहीं, हमारे हर घर के अंदर बहता पानी मौजूद है और वो टूटी के ज़रिए है। इतना पानी बहाया कि गुमान गालिब हो गया। नजासत की कैफियत, नजासत की सूरत हाल के बाद आपका अपना गुमान गालिब हो। अब आपका गुमान ही ऐसे कि टंकी खाली नहीं की उस वक्त तक आपका गुमान गालिब ना हो, तो फिर आप इस तरह कपड़ा पाक नहीं कीजिए। पहले तरीके से ही पाक करें और उसी अंदाज से किया जाए।
आम तौर पर थोड़ी देर पानी बहाने से गुमान गालिब हो जाता है कि नजासत जो है उसके असर को पानी लेकर बह गया। हमने जो आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रहनुमाई के मुताबिक हम जिस तरह चल रहे थे फ़राइज़ उलूम के एतबार से नमाज में, नमाज की शराइत, फ़राइज़ और मुफसीदात। शराइत वो बातें जो नमाज से पहले ज़रूरी होती हैं, हमने उसका बयान सुना। नमाज में दाखिल होने से पहले और बाद शराइत ऐसी हैं जिसका सदरुश शरिया ने लिखा कि इनका वक्त तकबीर तहरीमा है, तकबीर तहरीमा के वक्त ये चीज़ें पाई जानी चाहिए और इसमें तफसीलात होती हैं। अब ये सारी चीज़ें एक शख्स की पूरी हो चुकी, नमाज में दाखिल हो गया, तो अब नमाज मुकम्मल उस सूरत में होगी जब दो बातें पाई जाएं, एक फ़राइज पूरे अदा किए जाएं, दूसरा मुफसीदात से बचा जाए। मुफसीदात किसको कहते हैं? नमाज तोड़ने वाली बातों को। मुफसिद किसको कहते हैं? वो बातें कि जिनके करने से नमाज टूट जाती है, जिन बातों से नमाज टूट जाती है उनको मुफसीदाते नमाज, नमाज तोड़ने वाली बातें कहते हैं। आइए आज आपको हम दावत इस्लामी के शायती इदारे मकतबतुल मदीना के मजबूआ नमाज के अहकाम का रिसाला, नमाज का तरीक़ा से मुफसीदाते नमाज, नमाज तोड़ने वाली बातें बयान करेंगे। नौ मदनी फूल समात फरमाए। नंबर एक, बात करना। नंबर दो, किसी को सलाम करना। तीन, सलाम का जवाब देना। चार, छींक का जवाब देना। नमाज में खुद छींक आए तो खामोश रहे, अगर अल्हम्दुलिल्लाह के लिया तब भी हरज नहीं, अगर उस वक्त हमद ना की तो फारिग होकर नमाज कंप्लीट कर फिर कहे। पांच, खुशखबरी सुनकर जवाबन अल्हम्दुलिल्लाह कह ले। छः, बुरी खबर या किसी की मुसीबत सुनकर इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैही राजिऊन कहना। सात, अजान का जवाब देना। आठ, अल्लाह अज़्ज़ा वजल का नाम सुनकर जवाबन जल्ला जलालुहू कहना। नौ, सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का इसमें गिरामी सुनकर जवाबन दुरूद शरीफ पढ़ना, मसलन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम कहना। अगर जल्ला जलालुहू या सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जवाब की नीयत से ना कहा तो नमाज ना टूटी। नौ बातों का खुलासा समझिए। बहुत आसानी से अगर आप इस बात को समझ लेंगे तो आप इन बातों को जहन नशीन करने में कामयाब हो जाएंगे। नमाज में किसी से बात नहीं करनी, किसी को जवाब नहीं देना। अगर आपने जवाबी कार्रवाई की या बातचीत की तो नमाज टूट जाएगी। अब इसकी मुख्तलिफ सूरतें जो सदु शरिया बदरु तरीका हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अमजद अली आज़मी ने बहार शरीयत में। अब किसी से बात की तो ये मुनाफी नमाज है, नमाज में ऐसा काम किया जो नमाज से ताल्लुक नहीं रखता, ये नमाज तोड़ने वाली बात है, बातचीत करना। अब आपने बात नहीं करनी, आपने सलाम कर लिया तो ये भी एक तरह की बात कर ली आपने। दो बातें अगर आपने जहन नशीन कर ली तो ये नौ मदनी फूल समझना आसान होगा। आपने बात किसी से नहीं करनी, जवाब, जवाबी कार्रवाई, किसी का जवाब देना ये काम नहीं करना। जवाबी कार्रवाई का मतलब उसी को जवाब नहीं देना, उसके रिप्लाई में आपने जवाब दिया तब भी आपकी नमाज टूटेगी। छींक का जवाब देना, उसे छींक की, छींक आए तो क्या कहना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह कहेंगे। अब जिसको छींक आई उसने अल्हम्दुलिल्लाह कहा तो जिसने इस शख्स की छींक को हम सुनी है
और कोई माने शरई शरई रुकावट नहीं है, अभी सिंजा खाने के अंदर है या कोई और मसला है, कोई ऐसी चीज सूरत हाल नहीं पाई जाती, तो आम हालत में इस पर वाजिब है कि वो जवाबन यरहमुकल्ला कहे। अब आप थे नमाज के अंदर, सामने वाला शख्स, इसे छींक आई, उसने हम्द की, हम्द करने के बाद आपने यरहमुकल्ला कहा, तो लाजमी बात है ये आपने उसकी हम्द का जवाब दिया। तो नमाज के अंदर जब भी होंगे ना ही बातचीत कर सकेंगे और ना ही किसी की जवाबी कार्रवाई करेंगे। अब आपने चूंकि इसको जवाबन यरहमुकल्ला, अल्लाह ताला तुम पर रहम करे, ये दुआया करीमात जो कि आम हालत में कहना वाजिब भी होते हैं, नमाज में कहने की इजाज़त नहीं होती, आपने नमाज में एक जवाबी कार्रवाई की जिसकी वजह से नमाज टूट गई। इसी तरह खुशखबरी सुनकर जवाबन आपने हम्द की, बुरी खबर सुनकर जवाबन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहा, अजान का जवाब दिया, अल्लाह अज़्ज़ा वजल का नाम सुनकर जल्ला जलालुहू कहा, सरकार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इसमें मुकद्दस सुनकर दुरूद पाक कहा, तो आपने चूंकि जवाबी कार्रवाई की और नमाज में आपको इसकी इजाज़त ना थी, लिहाजा नमाज टूट गई। अगला मदनी फूल नंबर 10, दर्द या मुसीबत की वजह से लफ्ज़े आह, ऊह, उफ, तुफ निकल गए या आवाज से रोने में हर्फ पैदा हो गए, नमाज फासिद हो गई। यानी दर्द और मुसीबत की वजह से, इन अल्फाज की वजह से नमाज टूटेगी और मरीज की जबान से बे इख्तियार आह ऊह निकला, नमाज ना टूटी। यानी मरीज की जबान से जब ये अल्फाज बे इख्तियार निकलेंगे तो उसकी नमाज ना टूटेगी, कि मरीज भी आम तौर पर दर्द और मुसीबत ही की वजह से आह ऊह इस तरह की आवाज़ें निकालेगा। तो अब अगर ये आवाज़ें बा इख्तियार निकली तो नमाज टूट जाएगी, अपने इख्तियार से निकली तो टूट जाएगी, और अगर बे इख्तियार हो तो नहीं टूटेगी। अगर रोने में सिर्फ आंसू निकले, आवाज़ो हरूफ नहीं निकले तो हरज नहीं। अगर नमाज में इमाम के पढ़ने की आवाज पर रोने लगा और अरे हाँ नाम नाम अरबी में हाँ को कहते हैं, जबान से जारी हो गया तो कोई हरज नहीं कि ये खुशू के बाइस है, और अगर इमाम की खुश इलहानी के सबब ये अल्फाज कहे तो नमाज टूट गई। यहाँ गोया यूँ समझे चार सूरतें बयान की गई हैं, चाहें तो लिख लीजिए। आपका रोना दर्द की वजह से है, मुसीबत की वजह से है, इमाम की वजह से है, मौज़िन की वजह से है, सामने वाले ने दबा दिया आपको इस वजह से, गमे माल में है, गमे रोज़गार में है, किसी तरह भी है, लेकिन आपकी नमाज में इसकी आवाज़ नहीं निकली, आंसू निकले हैं, तो अब ऐसा रोना इसका कोई भी सबब होगा नमाज नहीं तोड़ेगा। आपके रोने में आवाज और हुरूफ पैदा नहीं हुए तो नमाज नहीं टूटेगी, एक बात। दूसरी बात, अब ये तीन सूरतें हुए जिसमें आवाज और हुरूफ पैदा हो रहे हैं, आवाज और हुरूफ पैदा हो रहे हैं, उफ तुफ आह इस तरह के लफ्ज आपसे निकल रहे हैं,
तो अब इसके तीन असबाब हैं। पहला सबब दर्द और मुसीबत, दूसरा सबब इमाम साहिब जो नमाज पढ़ रहे हैं तो नमाज में तवज्जो बढ़ जाने की वजह से, और तीसरा वो दादो तहसीन के लिए कारी साहब, वाह वाह क्या बात है कारी साहब की, इस सबब से। तो अब पहली यानी ये जो तीन सूरतें बयान की गई इनमें पहली और तीसरी सूरत में नमाज टूटेगी, यानी मुसीबत तकलीफ की वजह से हुरूफ आह उह तुफ उफ आह निकल आया तो अब ऐसी सूरत के अंदर नमाज टूट जाएगी। और इमाम साहब की किरात है, वाह भाई कारी साहब आप कारियों के महफिल किरात में जाने आने के शायक हैं, किरात सुनते हैं तो दादो तहसीन भी देते हैं, अब कारी साहब ने बड़ी प्यारी किरात की, आपके मुंह से निकला वाह, तो ये वाह के साथ ही नमाज आपकी टूट जाएगी। तो ये वाह आपने जो कहा है ये वाह कहना दादो तहसीन के लिए उसकी खुश इलानी, क्या जबरदस्त आवाज है वाह, अब आपने ये कहा तो नमाज टूट जाएगी। और अगर ये कि नमाज में आपकी तवज्जो बढ़ रही है, खुशू में इजाफा हो रहा है, आपका नमाज की तरफ तवज्जो बढ़ रही है, इस वजह से कोई लफ्ज आपका निकल आया तो इस सूरत में नमाज नहीं टूटेगी। दो सूरतों में नमाज टूटेगी, दो सूरतों में नमाज नहीं टूटेगी। आवाज नहीं आई, रो रहे हैं, उसका कोई भी सबब होगा, नमाज नहीं तोड़ेगा। नंबर दो, आवाज आई और वो नमाज के खुशू नमाज में तवज्जो बढ़ने की वजह से नमाज के अंदर आपकी जो इन्हिमाक है, आपकी तवज्जो जो बढ़ रही है, उसकी वजह से अगर आपकी आवाज़ पैदा हो रही है तब भी नमाज नहीं तोड़ेगी। और अगर दर्द मुसीबत की वजह से आवाज़ में इजाफा हुआ या आपके इमाम साहब की किरात की दादो तहसीन के लिए वाह भाई क्या किरात की है, इस तरह आपकी अगर आवाज़ निकली तो नमाज टूट जाएगी। मरीज की जबान से बेख्तियार आह ऊह निकला, नमाज ना टूटी, यूं ही छींक जमाही खांसी डकार वगैरह में जितने हुरूफ मजबूरन निकलते हैं मुआफ हैं। फूकने में अगर आवाज ना पैदा हो तो वो सांस की मिसल है और नमाज फासिद नहीं होती, मगर कसदन जानबूझकर फूकना मकरूह है। अगर दो हर्फ पैदा हुए उफ तुफ तो नमाज फासिद हो गई। खंकार में जब दो हुरूफ जाहिर हो जैसे अख तो मुफसिद है। हाँ अगर उज्र या सही मकसद हो, मसलन तबीयत का तकाजा या आवाज़ साफ करने के लिए हो, या इमाम को लुकमा देना मकसूद हो, या कोई आगे से गुजर रहा हो उसको मुतवज्जे करना, इन वजूहात की बिना पर खांसने में मुजायका नहीं। इसको यूं समझिए कि आम हालत में जब दो हर्फ इंसान के मुंह से निकल गए तो वो नमाज तोड़ देते हैं। आप फूके तो दो हर्फ निकाल दिए, खंकारे तो दो हर्फ निकाल दिए, तो इनसे आम हालत में नमाज टूट जाती है। अब दो हर्फ भी निकले और नमाज ना तोड़े उसकी सूरतें समझिए। देखिए दर्द या मुसीबत का मसला यही है कि दर्द या मुसीबत की वजह से अल्फाज निकले दो तो नमाज तोड़ देंगे। अब मसला आ रहा है मरीज का, मरीज की जबान से दो हर्फ निकले, आपको छींक आ गई दो हर्फ निकल गए, जमाही आ गई दो हर्फ निकल गए, डकार आ गई तो अब दो हर्फ निकल गए, तो ऐसी चीजें मुआफ होंगी। इसी तरह कभी गला सही करना पड़ता है, इसमें दो हर्फ निकले जबकि
सही करने का मकसद भी हो। तो अब ऐसी हालत में तबीयत का तकाजा है, आवाज़ साफ करना चाह रहे हैं, नमाजी आगे से गुजर रहा है उसे इशारा करना चाह रहे हैं, तो इन सूरतों में नमाज नहीं टूटेगी। आम हालत में दो हर्फ अगर मुंह से निकलते हैं नमाज तोड़ देंगे, और अगर कोई ख़ास सूरत पाई जाती है तो उसमें रुख्सत होती है। मसलन खंकार, गला साफ़ करने की ज़रूरत थी, गला साफ़ किया, आपको मर्ज है, मर्ज की वजह से निकले, डकार आ गई, जमाही आ गई, खांसी आ गई और छींक आ गई, अब इसके अंदर आपके दो हर्फ निकले या कोई आपके आगे से गुजर रहा था आपने उसको रोकना चाहा उसके लिए दो हर्फ निकले, तो अब ऐसी सूरतों में दो हर्फ ओफ तोफ आह ऊ की तरह के निकल गए तो नमाज नहीं टूटेगी। आम हालत में दर्द की वजह से हो या तकलीफ़ हो, आपको दर्द है, मुसीबत है, इस वजह से निकल गए, इमाम की खुश इल्हानी की वजह से आपके ये हुरूफ निकल गए, या इसके अलावा आपने ये हर्फ निकाले, तो आम हालत में ये नमाज तोड़ देते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुसहफ़ शरीफ से या किसी कागज़ से मेहराब वगैरह पर लिखा हुआ देखकर कुरान शरीफ पढ़ना, हाँ अगर याद पढ़ रहे हैं और मुसहफ़ शरीफ या मेहराब वगैरह पर सिर्फ नज़र है तो हरज नहीं। अगर किसी कागज़ वगैरह पर आयत लिखी है, इससे देखा और समझा मगर पढ़ा नहीं, इसमें कोई मुज़ायका नहीं। इस्लामी किताब या इस्लामी मज़मून दौरान नमाज जानबूझकर देखना और इरादतन समझना मकरूह है। दुनियावी मज़मून हो तो ज़्यादा कराहियत है, लिहाजा नमाज में अपने करीब किताबें या तहरीर वाले पैकेट और शॉपिंग बैग, मोबाइल फ़ोन या घड़ी वगैरह इस तरह रखिए कि इनकी लिखाई पर नज़र ना पड़े, या इन पर रुमाल वगैरह उड़वा दीजिए। नीज़ दौरान नमाज सुतून वगैरह पर लिखे लगे हुए स्टिकर्स इश्तहार पर नज़र डालने से भी बचिए। मदीना, अब ये इस्लामी भाई हैं हमारे दौरान, यहाँ आएंगे आप इसके करीब, अब ये नमाज पढ़ रहे हैं, इनके सामने सूरह इखलास लिखी हुई है, इत्तिफाकन की नमाज में भी सूरह इखलास पढ़ रहे हैं। अब अगर ये इस सूरत को देख कर पढ़ते हैं तो ऐसी सूरत में नमाज टूट जाएगी। अब आप नमाज में सूरह इखलास पढ़िए, قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد। मुसहफ़ शरीफ या किसी कागज़ से या मेहराब वगैरह पर लिखा हुआ देखकर कुरान शरीफ पढ़ना नमाज तोड़ देता है, हाँ अगर याद पर पढ़ रहा है, और मुसहफ़ शरीफ, मुसहफ़ कहते कुरान शरीफ को, कुरान शरीफ या मेहराब वगैरह पर सिर्फ नज़र है तो हरज नहीं। अब ये अपनी सूरत पढ़ेंगे और आँखों के सामने नज़र पड़ रही है, वो देख भी रहे हैं कि सामने क्या लिखा हुआ है, मगर अपनी याददाश्त पर पढ़ रहे हैं, कभी देख रहे हैं, कभी सजदे के मकाम पर देख रहे हैं, अगरचे नमाज में इस तरह आँखों को यूँ नहीं फेरना चाहिए, सजदे ही के मकाम पर रखनी चाहिए, लेकिन एक चीज़ सामने लिखी हुई है उसको समझ रहे हैं, पढ़ अपनी रहे हैं, तो इससे नमाज नहीं टूटेगी। पढ़िए, قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد। अगर किसी कागज़ वगैरह पर आयत लिखी है उसे देखा और समझा मगर पढ़ा नहीं, इसमें भी कोई मुज़ायका नहीं। अब हमारे करीब आम तौर पर
ये तो अमीर अहलुसुन्नत ने ज़हन दिया है कि टाइटल पेज पर मकतबतुल मदीना की किताबों पर आपको आयतें कुरानी नहीं मिलेंगी, कुरानी आयतें नहीं लिखी जाती, वरना आम तौर पर किताबों पर जो दीनी किताबें होती हैं उस पर कुरानी आयतें लिखी होती है। अब इस पर बिलफर्ज कुरानी आयत लिखी है, इन्होंने लिखी हुई कुरानी आयत जो है वो देखी समझी, जैसे आयत दुरूद बहुत मशहूर होता है, अब इन्होंने देख ली समझ ली कौन सी आयत लिखी हुई है, मगर इन्होंने इसे पढ़ा नहीं। पढ़ने का मतलब जिस तरह इन्होंने पढ़कर आपको दिखाया है ना, पढ़ना इसको कहते हैं। एक चीज़ सामने आ गई, आपने देखा, आपने समझ लिया, ये पढ़ना नहीं है। पढ़ने के लिए आवाज़ ऐसी होनी चाहिए कि अपने कान तक पहुँचे। तो जब ये सूरत नहीं पाई गई, सिर्फ इन्होंने ये देखा है नमाज के अंदर कि ये एक आयत लिखी हुई है, तो अब इसको देखना समझने में, कुरानी आयत देखने समझने में मुजायका नहीं है। दूसरी सूरत ये कि अब जैसे ये वाकयातन इस्लामी किताब या इस्लामी मजमून है, अब इस पर लिखा हुआ है बहार शरीयत तखरी शुदा फ़िक़्हे हनफी की आलिम बनाने वाली किताब सद्दु शरिया बदर तरीका, ये नाम लिखा हुआ है मदीनतुल इल्मिया मजलिस इल्मिया और शोबा तखरीज मकतबतुल मदीना एससी 1286 इसका नंबर लिखा हुआ है। तो ये चीज़ अगर इन्होंने दौरान नमाज जानबूझकर देखा और इरादतन समझा तो ये मकरूह है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। दीदार हक दिखाएगी ए भाइयों नमाज, दीदार हक दिखाएगी ए भाइयों नमाज, जन्नत तुम्हें दिलाएगी ए भाइयों नमाज, दीदार हक दिखाएगी ए भाइयों नमाज।